नमस्कार मित्रों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम मंगल ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मंगल देव ग्रह का क्या फर्क पड़ता है और कुंडली के अंदर उनके अच्छे फल कौन कौन से होते हैं, और अगर मंगल पीड़ित हो या नीच का हो या अशुभ हो तो अशुभ फल हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। कुंडली के 12 भाव के अंदर मंगल कैसे फल देते हैं, और अगर मंगल आपकी कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है तो आप कैसा करें कि मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए। तो सर्वप्रथम हम मंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मंगल ग्रह आखिर है क्या। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने स्टार्टिंग के बेसिक खत्म कर लिए हैं। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तो मेरे के शुरू के चैनल जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने ज्योतिष के माध्यम से बहुत आसानी से मैंने शुरू की कुछ वीडियो दिखाई हैं। उसके बाद मैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, और ग्रह के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और जिसमें मंगल ग्रह कुंडली के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अगर मंगल गड़बड़ हो गए तो ये समझ लीजिए जिंदगी के अंदर आपको किसी भी चीज की प्राप्ति लेना या भोगना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलो आज पढ़ लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल आखिर है क्या? देखिए, ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल अगर अच्छे हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल, इसके विपरीत अगर मंगल कमजोर हैं, नीच के हैं तो अमंगल जिंदगी हो जाती है। अमंगल का रस घोल देते हैं। मंगल से देखे जाते हैं छोटे बहन भाई, क्योंकि मंगल छोटे बहन भाई के कारक हैं। मंगल से देखा जाता है, मंगल जो होते हैं ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल से आप पता चलता है आपको बुद्धि, आपके काम कार्य करने की ताकत। मंगल से पता चलता है आपको मजबूती। मंगल होते हैं आक्रामक स्वभाव। मंगल से क्रोध देखा जाता है, साथ ही साथ शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास, पराक्रम। अगर मंगल नीच के हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और विभिन्न बीमारियां लग जाती हैं। वो अशुभ फल कौन कौन से होंगे उसके अंदर वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि है। इनका मुख्य रंग लाल है। तांबा धातु इनके लिए फलदाई है, और जौ में ये अनाज है। मंगल की दो राशियां होती हैं। अगर लगन के अंदर ये भाव हैं 1, 2, 3, आप इनको राशियां ना समझें। अगर लगन में 1 या 8 लिखा हो, पहले नंबर की राशि मेष, दूसरे नंबर की राशि जो है वृश्चिक, इन दोनों राशियों के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल 10 नंबर की राशि में, जहां पे 10 हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, उसमें वो ऊंच के हो जाते हैं। मंगल 4 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। अच्छे होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, नीच के होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, बहुत गलत रिजल्ट देंगे। मंगल अगर पहली राशि में हो, मंगल अगर 8वीं राशि में हो, मंगल और 10वीं राशि में हो और केंद्र में हो, यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव के अंदर मंगल हो, किस किस राशि में, पहले, 8वीं और 10वीं, इन राशि के अंदर वो रोचक पंच महापुरुष राज का नाम राजयोग बनाते हैं, जिसमें आदमी अपनी मेहनत से, बिना किसी की सिफारिश से, जिंदगी के अंदर अपनी मेहनत से सब सुख सुविधा की प्राप्ति करता है, जिसे रोचक पंच महापुरुष राजयोग का नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर कुंडली के अंदर बुध ग्रह अशुभ है तो कैसे उसके रिजल्ट होंगे? क्रूर और हिंसक स्वभाव, आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि मंगल आत्मविश्वास के कारक है, साहस की कमी, क्योंकि मंगल साहस के कारक है, संपत्ति और जमीन के मामलों में उलझना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल अगर आपके सर्वश्रेष्ठ है तो जिंदगी के अंदर संपत्ति की कोई कमी नहीं होती,
खासतौर से भूमि रिलेटेड, तो उसमें आपको लजना पड़ जाएगा, कोर्ट कचहरी में फंसना पड़ जाएगा। साथ में ही मंगल जो है रक्त के कारक है, अगर अशुभ है तो रक्त रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। अगर किसी किसी का मंगल खराब है तो ऐसे में देखा जाता है कि ब्लड कैंसर भी देखा गया है, और अगर वो विवाह के संबंध बना ले और यहां पे वो नीच का हो जाए या पाप धरती से पाप दृष्टि से पीड़ित हो जाए तो विवाह को भी बिगाड़ देते हैं, डिवोर्स हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जीवन में सुख संपत्ति और सुखी रहने के लिए मंगल का बलि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुख और मंगलमय जीवन के कारक हैं। साथ ही साथ जी अगर मंगल खराब है तो जिंदगी के हर मोड़ पर आपको दिक्कत ही दिक्कत मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या ऐसा करें कि आपको मंगल अच्छे प्रभाव देना शुरू कर दे, क्योंकि आप ऐसा क्या उपाय करें मंगल आपको अच्छे रिजल्ट दे दे अगर मंगल पीड़ित है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल की भी शनि और गुरु की तरह तीन दृष्टि हैं। मंगल अगर कहीं पे भी बैठे हैं तो मंगल की तीन दृष्टि होती है, चौथी, सातवीं और आठवीं। सपोज करो मंगल यहां पे बैठे हैं तो यहां से एक, दो, तीन, चार, इस भाव को भी देखेंगे, इस भाव को भी देखेंगे, यहां से सातवें भाव को देखेंगे और आठवें भाव को। मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं और वो तीन जगह पे अपना फल देते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, मंगल के साथ अगर राहु या केतु हो जाए तो अंगारक योग बन जाता है, उससे आपकी दुर्घटना और टाइम आपका बहुत खराब रहेगा। जब जब मंगल की दशा अंतर दशा आ जाएगी, अगर मंगल ग्रह के साथ राहु भी है तो मंगल के अच्छे फल लेने के लिए आप मूंगा धारण करिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में कारक है तो। कारक कैसे होंगे मंगल, अगर आपकी मेष लगन है, अगर आपकी धनु लगन है, अगर आपकी सिंह लगन है, अगर आपकी कर्क लगन है, अगर आपकी मीन लगन है, इन लगन के अंदर मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और वो 6-8-12 महीना बैठे हों तो आप मंगल के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ कुंडली के पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें इन भाव के अंदर मंगल हो, यानी मंगल यहां पे हो, 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 तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। मांगलिक दोष के अंदर विवाह के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर मंगल कारक नहीं है तो। अगर मंगल खराब हो तो ऑपरेशन और दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि मंगल अगर खराब होते तो ऑपरेशन करा देते हैं पेट का और दुर्घटना भी होती है। प्राय देखा गया है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं अगर मंगल की दशा चल रही है और मंगल कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि उपाय क्या करें। सर्वप्रथम मंगल के लिए बीज मंत्र का प्रयोग करें। कुंडली में मंगल कारक हो या मारक हो, बीज मंत्र सभी के लिए फलदायी होता है। ओम अंग अंगारकाय का 108 माला डेली करिए, करीब करीब 3-4 महीने। इससे आपके मंगल देव हमेशा के लिए मजबूत हो जाएंगे। फिर से सुनिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। साथ ही साथ मंगलवार को एक ध्वज लीजिए, तिकोना, जो तिकोना हो नारंगी कलर का, उस पर राम नाम लिखिए और अपने घर पे लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करें, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़े। स्त्री हो तो सुंदर कांड ना पढ़िए, आदमी हो तो सुंदर कांड भी करोगे तो जिंदगी के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। मंगलवार के दिन बंदर को गुड़ चना खिलाएं। अगर आप ये सब चीज करेंगे तो मंगल आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। अब मैं बता देता हूं आपको कि हर भाव में वो कैसा रिजल्ट देते हैं। मंगल यहां पे सुख अच्छे हैं
तो आदमी की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, आक्रामक, मेहनती, काम करने वाला, जुझारू, मेहनती, और जिंदगी के अंदर हर एक चीज की कामयाबी, कामयाबी के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला ऐसा जातक होगा। मंगल यहां पे पीड़ित है, तो आपको रोगी, पति पत्नी में क्लेश, छोटे भाई के साथ आपकी नहीं बनेगी। इसी प्रकार मंगल यहां पे हैं तो धनी अगर शुभ है तो कुटुंब के साथ लगाओ, थोड़ी कड़वी वाणी बोलने वाले बनेंगे। और अगर अशुभ है, अगर कुंडली के अंदर अशुभ है तो कुटुंब के साथ विवाद, धन का भाव करेंगे और एक्सीडेंट के भी चांसेस हो जाएंगे। तीसरे भाव के अंदर, पहले भाव के अंदर मांगलिक योग भी बनाता है, इसी प्रकार तीसरे भाव के अंदर पराक्रमी बनाएंगे, साहसी होगा। हालांकि जितनी मेहनत करेंगे उससे कम ही रिजल्ट मिलेगा, पर आदमी को बहुत ही मेहनती होगा। शुभ है तो छोटे भाई बहन से बहुत प्यार करेगा, उनसे उन्हें लाभ भी होगा। और अगर पीड़ित है तो शराबी, चालबाज, ब्लड प्रेशर और करीब करीब इस भाव के अंदर देखा गया है कि उनका बहुत एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर किसी पाप ग्रह की उन पर दृष्टि हो तो। चौथे भाव के अंदर यहां पे भी मांगलिक दोष बनता है, और अगर यहां पे वो अच्छे हैं तो फिर पैतृक संपत्ति का सुख, पराक्रमी, साथ साथ प्रोफेशनल में जमीन से रिलेटेड कामों में बहुत फायदा, पैतृक संपत्ति का सुख। माता से यहां पे थोड़ी खटपट होगी, पर माता को प्यार करने वाले होंगे। इसी प्रकार अगर कुंडली में वो अच्छे नहीं है इस भाव के अंदर, तो मांगलिक के साथ साथ संतानहीन, रोगी, क्रोध से खुद को ही हानि पहुंचाने वाले होंगे। पांचवें भाव के अंदर अगर मंगल अच्छे हैं तो पहले पुत्र का योग, साथ साथ मेहनत के वजह से शिक्षा अच्छी प्राप्त करने वाला, और अगर यहां पे अच्छे नहीं तो शराबी, अनेक परेशानी, नेत्र रोग, और आपके शादी होने के बाद गर्भपात का भी योग बनाता है। छठे भाव के अंदर ज्यादातर मंगल अच्छे प्रभाव नहीं देते, यहाँ पे ब्लड प्रेशर योगी, शत्रु बहुत होंगे, कामुक प्रवृत्ति होगी, प्राय स्त्री पे नजर होगी, ये सब चीजें यहां से देखे गई हैं। पर अगर मंगल यहाँ पे शुभ है तो जॉब कंपटीशन में बहुत अच्छा देखा गया है। सातवें भाव के अंदर भी मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं, यहां पे अच्छे हैं तो पत्नी आपकी बहुत पराक्रमी, पर अगर मंगल यहां पे नीच के हुए या पाप दृष्टि में हुए या पीड़ित हुए तो वाइफ जो है स्त्री स्वभाव होगा, पुत्रहीन होगा, पढ़ाई में कमी होगी, प्राय स्त्री के साथ संबंध देखे गए हैं, और वैवाहिक जीवन हमेशा कष्ट में रहता है। आठवें भाव के अंदर मंगल अल्पायु का निर्माण करते हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो, यानी आयु बहुत कम हो सकती है अगर वो यहां पे नीच के या पीड़ित हुए, साथ ही साथ दरिद्र होता है ऐसा आदमी, 28 वर्ष में वो अपना ध्यान रखे, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, दुर्घटना के पूरे पूरे चांसेस होंगे और मर्डर में भी फंसने के चांसेस हो जाते हैं अगर मंगल यहां पे नीच के हुए और पाप दृष्टि से पीड़ित हुए। नौवें भाव के अंदर मंगल अगर अच्छे हैं तो भाग्यशाली बनाएंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, छोटी यात्रा करने वाले होंगे, परोपकारी होंगे, आदर करने वाले होंगे, बड़ों का सम्मान करने वाले होंगे। इसी प्रकार अगर मंगल यहाँ पे अच्छे नहीं है तो क्रोधी, बदनामी होगी ऐसे व्यक्ति की, कामयाबी कभी नहीं होगी और भाग्य कभी उनका साथ नहीं देगा। दसवें भाव के अंदर, और एक बात, आठवें के अंदर भी वो मांगलिक दोष बनाते हैं, दसवें भाव के अंदर अगर वो अच्छे हैं तो जमीन से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा उनको फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन की लाइन में बहुत अच्छे होंगे, और जिंदगी के अंदर अपनी मेहनत से सब सुख सुविधा की प्राप्ति करने वाले होंगे, पिता का भी उनको सहयोग मिलेगा। और अगर वहां पे अच्छे नहीं होंगे तो चोरी का आरोप लगेगा, बर्बादी की तरफ आप जाएंगे अगर यहां पे वो नीच के हुए, और 15 साल तक आप तकलीफ में रहेंगे। ग्यारहवें भाव में अगर मंगल अच्छे हैं
तो बड़े भाई से सहयोग और आपको लाभ भी मिल सकता है। यहाँ पे जिंदगी के अंदर रोजगार की कमी नहीं होगी। इसके विपरीत अगर मंगल यहाँ पे अच्छे नहीं है तो कर्जदार संतानु संतान से हमेशा झगड़ा, धोखा मिलेगा, शिक्षा आपकी अधूरी रह जाएगी और जिंदगी संघर्ष में होगी। अब 12वें भाव में चलते हैं। अगर यहाँ पे वो अच्छे हैं तो सिर्फ एक रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं, आपको विदेश में सेटलमेंट करा देते हैं, क्योंकि मंगल अगर यहाँ पे शुभ है तो ऐसे आदमी को विदेश में देखा गया है। इसके विपरीत अगर वो अच्छे नहीं है, शत्रुहानि, मेडिकल पे खर्चे, घर में चोरी, पत्नी से अनबन और संतानहीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मंगल ग्रह के बारे में सब कुछ बताया। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करना, और आने वाली हमारी वीडियो और भी बहुत इंटरेस्टेड होगी, जिसमें हम बाकी के ग्रह के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।